बच्चा जब सक कर रहा हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तब देन आई कंसल्टेड द डॉक्टर, उससे क्या होता है बच्चा जल्दी थक जाता है. सो व्हाट हैपेंड, माय बेबी स्टार्टेड टू बाइट मी. अब इसको यूज़ कब करना है? वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो. ये वीडियो है स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए, इनफैक्ट उन्हीं के लिए ही है ये वीडियो. आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ किस तरीके से हम निपल शील्ड का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है, किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से ब्रांड का यूज़ करना है, कौन सा निपल शील्ड अच्छा होगा, ऑल अबाउट निपल शील्ड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपना बेबी डिलीवर किया था तब मैंने ये पिजन का निपल शील्ड ख़रीदा था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है. इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं. सो बेसिकली निपल शील्ड क्यों यूज़ किया जाता है? निपल शील्ड तब यूज़ किया जाता है या तो बच्चा ढंग से लैच नहीं कर रहा हो प्रॉपरली, जो निपल है वो अपने मुँह में नहीं ले रहा हो, बार बार बाइट कर रहा हो और डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड को रिजेक्ट कर रहा हो, तब निपल शील्ड यूज़ किया जाता है. सेकेंड यूज़ किया जाता है आपकी इन्वर्टेड निपल्स हो, सोरनेस हो निपल्स में, कट हो गया हो, क्रैक हो गया हो, तब निपल शील्ड को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो, उसके टीथिंग हो रहे हो, तब उसके बाद में और आप उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं, डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो आपकी जो निपल्स होती है उसको बाइट करना शुरू करता है, तो उससे क्या होता है सोरनेस हो जाती है, पेन होता है. तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, बाइटिंग को अवॉइड करने के लिए निपल शील्ड का यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर द टीथिंग बेबी. चौथी चीज़, आपकी पेन हो रही हो निपल्स में, सोरनेस हो रहा हो, बच्चा जब सक कर रहा हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तब निपल शील्ड यूज़ किया जाता है. सो फ्रेंड्स, ये थे कब कब हम निपल शील्ड को यूज़ कर सकते हैं. सो जब मैंने बेबी डिलीवर किया, सो हफ्ता 10 दिन लगा था ब्रेस्ट मिल्क को प्रॉपरली प्रोड्यूस होने में. तो अब इतने दिन तो हम बेबी को भूखा नहीं रख सकते, तो मैंने क्या किया था, 40% तब उस समय फॉर्मूला मिल्क दे रही थी एंड 60% ब्रेस्ट मिल्क पम्प करके दे रही थी. तो जब मैंने पम्प करके देना शुरू किया, सो ऑब्वियसली मैं बेबी को बॉटल के साथ में बॉटल फीड करना शुरू किया. तो जब बॉटल फीड की उसको आदत लगी, तो बॉटल फीड सबसे ज़्यादा आसान होता है बेबी के लिए, जिससे कि वो फटाफट दूध पी लेता है. उसमें क्या होता है कि कभी कभार बच्चा जो है वो ओवर ड्रिंक भी कर लेता है दूध को, और उसको कुछ मोशन या उसको कुछ है ना काम करने की ज़रूरत नहीं होती. बॉटल फीड इतना इजी होता है क्योंकि उसकी जीभ चलती नहीं है बच्चे की, तो फटाफट गट 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 करके वो दूध को फिनिश कर लेता है बॉटल फीड में. बट यहाँ पर जब डायरेक्टली बच्चा जो है मदर से लैच करता है, तो उसको एक एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको सक करना पड़ता है. उसको जब निपल होता है उसको सक करेगा, उसका जो टंग का मूवमेंट है वो चलता है, उससे क्या होता है बच्चा जल्दी थक जाता है. सो व्हाट आई डिड, क्योंकि मेरा जो मिल्किंग था वो प्रॉपरली 10 12 15 दिन के बाद में आना शुरू हुआ था, देन तब तक मैंने बेबी को अपने बॉटल इंट्रोड्यूस करा दी थी एंड आई यूज्ड टू एक्सप्रेस द मिल्क विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप. अब जब मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है, मेरा मिल्किंग भी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं डायरेक्टली बच्चे को लैच करा सकती हूँ और थोड़ा टाइम मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकती हूँ, डायरेक्टली लैच भी करा सकती हूँ, तब मैंने सोचा कि मुझे उसको बच्चे को शिफ्ट करना चाहिए लैचिंग पर. स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से मैंने क्या किया, डायरेक्टली बच्चे को लैच कराना शुरू कर दिया. जब मैंने डायरेक्टली लैच कराना शुरू कर दिया, सो व्हाट हैपेंड, माय बेबी स्टार्टेड टू बाइट मी. मेरी निपल्स को बाइट करना शुरू करा था, उसमें बहुत ज़्यादा सोरनेस आ गई थी, पेन फील हो रहा था, क्योंकि बच्चों के जो जॉज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं छोटे बच्चों के, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं. सो उसने है ना अपने जॉज के आसपास में हल्का जो मेरी निपल का जो स्टार्ट का एरिया है उसको दबाना शुरू कर दिया, और मैं उसकी वजह से बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही थी अपने बेबी को. उसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो स्ट्रेन में भी जा रही थी, स्ट्रेस में भी जा रही थी, वेयर आई वॉज अनएबल टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क मैं उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों मेरी जो ब्रेस्ट में सोरनेस हो गई थी. देन आई कंसल्टेड द डॉक्टर. सो उन्होंने मुझे बताया कि आप निपल शील्ड का यूज़ करिए. सो मैंने निपल शील्ड को यूज़ करना शुरू किया. आई परचेज इट फ्रॉम द मार्केट, फार्मेसी से मैंने लिया. पिजन का ये है, आप पिजन का देख सकते हैं ब्रेस्ट निपल,
शील्ड मैंने परचेज किया एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज। सो बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा बॉटल फीड से और लैच करने पर आता है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है मदर का जो डायरेक्ट निपल है उसको सक करने में, क्योंकि उसको आदत नहीं होती, उसको सिर्फ आदत होती है बॉटल फीड की, जहाँ पर उसकी टंग रोल नहीं होती है, जहाँ पर वो मूवमेंट नहीं कर रही होती उसकी टंग। मदर मिल्क में क्या होता है, उसकी टंग जो है आगे पीछे यूज़ होती है वाइल्ड सकिंग। तो आप ये देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये मैंने इस तरीके से लिया था एंड बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपके दो निपल शील्ड होते हैं, सो ये रहा निपल शील्ड, ये रहा, आपको इस बॉक्स में ये निपल शील्ड मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और सिलिकन का होता है ये। ये देखिए, ये एक निपल शील्ड हो गया, दिस इज़ द फ्रेश वन, ये एक निपल शील्ड हो गया, ये दो निपल शील्ड हो गए। सो आपको एक पेयर मिलता है, एक पेयर मतलब दो निपल शील्ड्स मिलते हैं आपकी दोनों ब्रेस्ट के लिए। सो बेसिकली इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये आप देख सकते हो, ये एक इस तरीके से निपल शील्ड है, यहाँ पर चार डॉट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, जिससे कि दूध जो है वो आसानी से ऊज आउट हो जाए। आपकी जो निपल है वो इस एरिया में, ये जो निपल का जो पार्ट है इस एरिया में अच्छी तरीके से आ जाएगी। एंड इसको लगाना कैसे, सो आप ये देख सकते हो कि ये सेमी सर्कल फॉर्म में है, यहाँ पर आधा मतलब ऊपर कुछ सर्कल नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर लाइन है, नीचे की तरफ हाफ सर्कल बना हुआ है। सो सपोज़ ये आपकी ब्रेस्ट है, ये आपका निपल है, आपको इस तरीके से इसको अपनी निपल के पास में ऐसे लगा देना है। सपोज़ ये मेरा, ये मेरे ब्रेस्ट है और ये मेरी आगे निपल, इस तरीके से मैंने इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा दिया, यहाँ पर मेरी निपल जो है आराम से आ जाएगी एंड यहाँ पर मेरी ब्रेस्ट को कवर कर लेगा। सो नाउ आपने इसको बहुत सही तरीके से लगाना है, बहुत ही इजी है इसको अपनी निपल के ऊपर एडजस्ट करना, अपनी ब्रेस्ट के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो ब्रेस्ट का जो साइड वाला पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा एंड ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो स्किन टू स्किन आपके बच्चे के साथ में रहेगा। वाई, बिकॉज जिससे कि बच्चा जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाए, उसको आपका स्पर्श मिले। उसको अगर आपका स्पर्श नहीं मिलेगा और ये सिलिकन का उसको फील होगा तो वो बच्चा जो है दूध जो है वो रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, आपका डायरेक्टली लैच नहीं करेगा। नाउ इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ से आपकी जो ब्रेस्ट की स्किन है बच्चे की नोज़ की तरफ होगी और बच्चा आपके सेंस को फील कर सकता है। अब इसको यूज़ कब करना है, जब आपकी सोरनेस हो उसको तब यूज़ करना है आपकी ब्रेस्ट पे, आपकी ब्रेस्ट में क्रैक हो रहे हो, इन्वर्टेड निपल्स हो तब यूज़ करना है, लैचिंग के टाइम पर डिफ़िकल्टी हो रही हो तब यूज़ करना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार निपल शील्ड को यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा ब्रेस्ट में से अपना जो मिल्क है वो एक्सप्रेस कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद में इसको अप्लाई करिए। जब आप अपनी ब्रेस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मिल्क जो है वो आपकी निपल्स के आसपास में होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसको फील आए कि हाँ भाई दूध है और वो फटाक से उसको एक्सेप्ट करना शुरू करे, सक करना शुरू करे। अगर उसको लगेगा कि ये कुछ अजीब है, अलग है, तो वो तुरंत जो ब्रेस्ट को रिजेक्ट करना शुरू करेगा, फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी लैच करना। तो सिंपल आसान तरीका, इसको ऐसे अप्लाई अपनी ब्रेस्ट के ऊपर किया है, यहाँ पर बच्चे की नोज़ आ जाएगी, स्किन टू स्किन भी मिल रहा है, आपने यहाँ पर हल्का सा हैंड प्रेस करके एक्सप्रेस करके दूध अपना निपल की तरफ निकाल लिया तो बच्चा जो है इजीली उसको सक करना शुरू करेगा और उसके मुंह में दूध भी जाएगा तो वो उसको मोटिवेट करेगा और दूध सक करने के लिए, उसको लालच करेगा, लालच देगा कि मुझे और दूध पीना है इस तरीके से, तो आसानी से आपके जो ब्रेस्ट को वो लैच करना शुरू करेगा और यहाँ से चार जो होल बने हुए हैं वहाँ से दूध आपका निकल जाएगा और बच्चे को बहुत आसानी से आप डायरेक्टली लैच करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था निपल शील्ड को किस तरीके से यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि निपल शील्ड को किस तरीके से धोना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिस तरीके से आप बच्चे की बॉटल्स की जो निपल्स होती हैं, टीथ्स होते हैं, उसको धोते हैं, इसी तरीके से आपको
इस सिलिकन निपल शील्ड को धोना है। बहुत ही पतली स्मूथ है, इजी टू अप्लाई होती है और सिलिकन की बनी है, आराम से धुल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का सा जो भी आप विम लिक्विड या फिर बच्चों का जो लिक्विड आता है, क्लेंजर आता है, उससे आराम से इसको हल्के हाथ से धो लीजिएगा अंदर से प्रॉपरली इस तरीके से। एंड देन फिर उसके बाद में इसको, इसके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप गर्म पानी में इस इन दोनों निपल शील्ड्स को डिप कर दीजिए। दोनों निपल शील्ड्स को डिप कर देंगे तो स्टरलाइज हो जाएगा गर्म पानी में। प्लस आपको इसका ये जो कंटेनर है, ये जो बॉक्स है, उसको उसका भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसका हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इसको क्लीन सूखा टिश्यू पेपर है उससे अच्छी तरीके से धो साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और इसको बीच में हर दूसरे या तीसरे दिन में आप इसको वॉश कर सकते हैं एंड इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं। स्टरलाइज करने के बाद में क्लीन टिश्यू पेपर लीजिए, उससे अच्छी तरीके से इसको सुखा दीजिए। देन फिर आप ये दोनों जो निपल शील्ड्स हैं आराम से इसमें ऐसे रख के और एयरटाइट तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। सो हाइजीन मेंटेन करना निपल शील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप निपल शील्ड को यूज़ करें, अपनी ब्रेस्ट को वाइप आउट कर लीजिए, अपनी ब्रेस्ट को क्लीन कर लीजिए, एक्सप्रेस करिए, देन फिर उसके बाद में आप निपल शील्ड को लगाइए। सो नाउ द लास्ट पॉइंट, कितने रुपए का आता है ये निपल शील्ड। सो फ्रेंड्स, जब मैंने परचेज किया था इट वॉज ऑफ 250 रुपीज़। आप इसको ऑनलाइन अमेजन वगैरह से भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा डिस्काउंट होता नहीं है। सो टू मी इट वॉज ऑफ 250 रुपीज़। पिजन का है, अच्छा है और ड्यूरेबल भी है, ईजी टू यूज़ है। आप इसको तभी यूज़ करिए जब आपको प्रॉब्लम हो रही हो लैच करवाने में, या फिर बच्चे को डायरेक्टली फीड करवाने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसको तभी यूज़ करना है। आपको पेन हो रहा हो, सोरनेस हो रही हो निपल्स में, बच्चा लैच नहीं कर रहा, उसी कंडीशन में आप यूज़ करिए। अननेसेसरी निपल शील्ड को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, बिना मतलब के इसको यूज़ नहीं करना है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि निपल शील्ड को कब डिस्पोज ऑफ करना है। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 बार यूज़ करने के बाद में आप निपल शील्ड को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, फिर आप फ्रेश निपल शील्ड यूज़ करिए। सो आप 8 से 10 बार निपल शील्ड को यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं, रीयूजेबल है 8 से 10 बार, एंड देन फिर उसके बाद में आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए फॉर हाइजीन मेंटेनेंस, के इस तरीके से हाइजीन मेंटेन होगी, बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी एंड क्लीनलीनेस भी रहेगी। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इसको 8 से 10 बार ही यूज़ करिए एंड देन फिर उसके बाद में डिस्पोज ऑफ करके नया निपल शील्ड यूज़ करिए, इन केस अगर आपको यूटिलिटी है या फिर ज़रूरत है तो। सो फ्रेंड्स, ये था पिजन का निपल शील्ड। बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, हैंडी है, सिलिकन का बना हुआ है, BPA फ्री है और हमारी जो ब्रेस्ट में अच्छी तरीके से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप जब कभी भी निपल शील्ड यूज़ करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। BPA फ्री होना चाहिए, इसका इनर डायमीटर जो होता है वो 13 mm होना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत छोटे आते हैं, कुछ बहुत बड़े आते हैं, इस तरीके से नहीं। जो आपकी एप्रोप्रिएट ब्रेस्ट साइज पर निपल को प्रॉपरली सपोर्ट करे, वही वाला आप निपल शील्ड लीजिए, जिससे कि बच्चे को दूध पीने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर निपल शील्ड प्रॉपरली आपकी निपल पर प्लेस नहीं होगा, देन फिर बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि वो बार बार आपकी ब्रेस्ट में से निकलता जाएगा और फिर बच्चा जो है कम्प्लीटली अच्छी तरीके से फीड नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से वो भूखा रह जाएगा एंड देन फिर उसके बाद में वो आपका डायरेक्टली लैच करना बंद कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट निपल शील्ड, क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, स्पेशली फॉर न्यूली मॉम्स और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या फिर कोई भी क्वेरीज है, मैं उसका रिप्लाईज़ में तुरंत ज़रूर दूंगी। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।